जगह से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाजाबाद के स्टेशन के पास ही। औरंगी से जो ट्रैक निकला है वो ग्रीन लाइन जो है उससे क्रॉस होके इस तरफ आ रहा है। ये आप ट्रैक देख सकते हैं, इससे आगे ही रास्ता रुका हुआ है ग्रीन लाइन की वजह से, और यहाँ से ट्रैक आ रहा है। इसके बाद जो है नॉर्थ नाजाबाद का स्टेशन है, ये आप सामने देख सकते हैं नॉर्थ नाजाबाद का स्टेशन। आपको मैं बताता चलूँ कि फेज़ 3 में तो काम चल रहा है, ब्रिक रोड से काम स्टार्ट कर दिया गया है, और कोशिश अब ये की जा रही है कि फेज़ 3 के साथ साथ फेज़ 2 भी चलाया जाए, ताकि जो जल्द से जल्द सर्कुलर रेलवे का काम मुकम्मल कर लिया जाए। और सर्वेस चल रहे हैं बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि फिजिकली काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ फेज़ 2 में। फेज़ 3 में कुछ काम नज़र आ रहा है और फेज़ 2 में भी फिजिकल काम स्टार्ट नहीं हुआ। सर्वेस चल रहे हैं, मेजरमेंट की जा रही है, देखा जा रहा है कि काम को किस तरह से लेके चलें, कहाँ पे झाड़ियाँ हैं, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे कचरा है, गंदगी है, और कहाँ पे ट्रैक साफ़ करना है या कहाँ पे मलबा है, इस तरह की पूरी रिपोर्ट बनाई जा रही है। उसके बाद ही काम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगा। ईद के बाद इंशाल्लाह पूरी उम्मीद की जा रही है कि ईद के बाद से काम शुरू हो जाएगा भरपूर तरीके से सर्कुलर रेलवे के ट्रैक्स पर। एक बहुत बड़ा एरिया है ये, देखा जाए तो सर्कुलर रेलवे रेलवे की ज़मीन है, रेलवे की प्रॉपर्टी है। सामने जो है नॉर्थ नाजाबाद का स्टेशन है, मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, अभी भी वही सूरत हाल है स्टेशन की। अभी तक कोई वहाँ पे मज़ीद बेहतरीन नज़र नहीं आई स्टेशन में। जो मेरी पिछली वीडियोज़ आप देख सकते हैं उसमें वही सूरत हाल चल रही है स्टेशन के हवाले से। के हवाले से आपको अपडेट होती रही थी, आपको मैंने बताना था कि फेज़ 2 भी काम स्टार्ट होने लगा है इंशाल्लाह, सर्विस वगैरह चल रहे हैं, ईद के बाद भरपूर तरीके से काम स्टार्ट होगा फेज़ 2 में भी।